लिब्रा, कैसे हो आप आई होप कि आप अच्छा कर रहे होंगे आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स तो यस आज हम आपके लिए एक नया टेरो सेशन करने वाले हैं लिब्रा जो कि थ्री सीज के बारे में होना वाला होने वाला है तो ये थ्री सीज क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूँ नंबर वन पर है क्लैरिटी नंबर टू पर है कन्फर्मेशन और नंबर थ्री पर है कम्फर्ट ओके okay? तो अगर आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी चाहिए किसी चीज़ की कन्फर्मेशन आप ढूँढ रहे हैं या फिर अभी आपको बस कम्फर्ट चाहिए क्योंकि आप अच्छा नहीं महसूस कर रहे हैं और एक हीलिंग स्पेस से आपको यू you नो know, एक कम्फर्ट चाहिए तो यस yes, ये जो रीडिंग है ये आपके लिए है ओके okay? तो आज की रीडिंग के लिए आप अपने सनसाइन या मूनसाइन को चूज़ करके रीडिंग को देख सकते हैं सनसाइन और मूनसाइन दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है ओके okay. साथ ही साथ लीप्रा अगर आपको मेरे साथ पर्सनल सेशन बुक करना है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shinecreates.com वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी वेबसाइट का जो लिंक है वो मिल जाएगा आप उसे देख लीजिएगा साथ ही साथ अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहें मेरे चैनल की मेंबरशिप लेना चाहें तो उसमें भी आपका स्वागत है जो भी लोग मेंबरशिप लेते हैं उन्हें हर महीने दो एजुकेशनल वीडियोज़ जो हैं वो मिलती हैं एक्स्ट्रा मिलती हैं ओके और ये एजुकेशनल वीडियोज़ आपकी पर्सनल जर्नी में आपकी बहुत मदद कर सकती हैं ओके ऑल राइट लीपरा मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है तो अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा सिंगिंग बॉल आपके लिए जो है मेरे पास यू you नो know, इसको यूज़ करूँ हालांकि इसमें मैंने थोड़े से फ्लावर्स डाले हैं ताकि इसका जो साउंड है एकदम से, से तीखा सा ना आए कभी कभी आता है ऐसे वीडियो में सो लेट्स सी अच्छे से ये चलती है या नहीं बट मैं ऐड करना चाहूँगी आपकी रीडिंग में ओके ऑल राइट लेट्स बताना मुझे लीब्रा कि आपको ये कैसा लगा आ, अच्छा लगा बुरा लगा अगर बुरा लगा तो मैं आगे से नहीं ऐड करूंगी सिंगिंग बॉल के म्यूजिक को साउंड को लेकिन अच्छा लगा तो जरूर बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट टाइम इसे फिर से ऐड करूँ ओके थोड़ी सी सेज भी पड़ी है मेरे पास तो मैं सेज के साथ भी थोड़ी सी क्लेंजिंग करना चाहूँगी थैंक यू ओ आई लव द साउंड लीब्रा दिस इज अस थैंक यू Thank you very much, Libra. Thank you. Infinity magic begins now. Thank you. Thank you very much. Thank you. Clarity, confirmation, and comfort for Libra. Thank you. Thank you very much. God bless you, Libra. God bless you. Lots of love. Thank you. Thank you. All right, Libra. इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं और अब हम जो है आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे ओके ब्यूटिफुल सबसे पहले तो मैं लिब्रा साइन के लोगों के लिए एफर्मेशन देखना चाहूँगी ओके okay? एफर्मेशन से एफर्मेशन ऑर्कल डेक से एक कार्ड लेंगे और देखते हैं कि Pia affirmation. Thank you, thank you, Spirit. One more time, please, and Shemir. बहुत ही ब्यूटिफुल कलर सबसे पहले तो लीब्रा। आई ऑनर माई सेल्फ वर्थ बाई आस्किंग फॉर वॉट आई वॉन्ट ओके ये एफमेशन बात करती है वोकल होने के बारे में जो आपकी ज़रूरतें हैं जो आपकी नीड्स हैं दूसरों को पता लगने दीजिए जरूरी नहीं है कि सामने वाला अगर यू you नो know, हमारे लिए जो हम उसे चाहते हैं कि वो हमारे लिए करें और वो अगर नहीं कर पा रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसकी इंटेंशन नहीं है कभी कभी क्या होता है कि रिलेशनशिप में सामने वाले को पता ही नहीं है कि आपको चाहिए क्या एंड दैट इज वाई थ्रोड चक्र की पावर का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है राइट तो आपको यहां पर बात करनी है आपको यहाँ पर कहना है सामने वाले को पता लगने दीजिए सामने वाला कोई भी शख्स हो अगर आपको लगता है कि आप वर्दी हो कि आपको ऐसा ट्रीटमेंट मिले आपको ऐसी ब्लेसिंग्स मिले आपको ऐसा ऐसा ऐसी चीजें मिले जो आपको लगता है कि हाँ मैं इस चीज़ को लेकर डिजर्विंग हूँ तो यस बात कीजिए बोलिए अगर ये कोई दूसरा शख्स नहीं है

अपनी रियलिटी के हिसाब से देखना होगा कि ये मैसेज कहाँ पर कैसे फिट बैठता है लेकिन इनक्रेज कर रहे हैं आपके गाइट्स आपको यू you नो know, ये गहरा हरा रंग खुशहाली का प्रतीक है अबंडेंस का प्रतीक है रिवॉर्ड्स का जो प्रतीक है ये आपके जीवन में आना चाहता है लेकिन जैसे कहते हैं ना कि एक दावा पेश करना एक क्लेम पेश करना कि यस मैं हूं डिजर्विंग इस ब्लेसिंग के लिए ओके okay? तो थ्रोट चक्रा की पावर का इस्तेमाल करो यहाँ पर लिपरा पहली आ, पहला मैसेज यहाँ पर ये यह है ब्यूटिफुल ना लेट सी लीब्रा हम यहाँ पर टेरो कार्ड्स ही शफल करेंगे ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच लीब्रा सबसे पहले क्लैरिटी देखते हैं कि आपको किस चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए लीब्रा क्लैरिटी फॉर लीब्रा thank you one more time please and shine me me इंटेंस एनर्जी देख रही हूँ लीब्रा आपके लिए यप ओ यस लीब्रा यस वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स वी हैव द डेथ कार्ड वी हैव फाइव ऑफ पेंटिकल्स वी हैव द किंग ऑफ कप्स ये आपके क्लैरिटी के कार्ड्स हैं ओके सबसे पहले लीब्रा क्लैरिटी की अगर हम बात करें तो ये ये कार्ड्स मुझे बता रहे जैसे कि आपको से पहले चीज जो आपको महसूस करने की जरूरत है उससे उस एहसास को महसूस कीजिए यहाँ फीलिंग स्टेट की बात है इमोशनल बॉडी की बात है यहाँ पर डेथ कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी इमोशनल बॉडी को कही न कहीं ना कहीं मैन्यूपुलेट कर, करते हो ओके अपनी इमोशनल बॉडी को मैन्यूपुलेट करना क्या है कि लेट्स से कि कोई सिचुएशन पैदा हुई ओके और उसमें से कुछ डिफिकल्ट इमोशन निकले लेकिन आप वो डिफ़िकल्ट इमोशंस को महसूस करने की जगह जो है आप आप जो उसकी ब्राइटर साइड है कि नो 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 यू you नो know, कोई बात नहीं ये हो गया तो कोई बात नहीं मैं पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस रखूँगी पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करूँगा जैसे आप इस तरीके से मैन्यूपलेट कर लेते हो अपनी इमोशनल बॉडी को और ये जो है ये जो डिफ़िकल्ट इमोशंस हैं ये फिर प्रोसेस नहीं हो पाते बल्कि इनका ढेर लग जाता है जैसे एक पायलप की एनर्जी होती है ये वहीं के वहीं है रिलीज कैसे होंगे अगर ये प्रोसेस ही नहीं हुए तो रिलीज कैसे होंगे राइट right? तो यहाँ पर क्लैरिटी के लिए पहला मैसेज आपकी इमोशनल बॉडी से है कि जो फीलिंग्स आपको महसूस करने की जरूरत है लीब्रा उन्हें कीजिए वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसा करने से आप अपने एनर्जेटिक फील्ड को क्लीन करोगे ओके okay? डिटॉक्स करोगे साफ़ करोगे और इसी के चलते ही जो नई बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आएंगी वो टिकेंगी अभी क्या हो रहा है नई बिगनिंग्स आती हैं और फिर से कोई ट्रांसफॉर्मेशन मतलब वो अपना आकार बदल लेती हैं अभी आपने न्यू बिगनिंग को एक्सेप्ट किया और फिर दूसरे ही पल में वही न्यू बिगनिंग आपके जी का जंजाल बन गई क्योंकि उसमें फिर से ट्रांसफॉर्मेशन आ गई तो ये जो पैटर्न है ये क्यों हो रहा है चीज़ें टिक क्यों नहीं रही आपकी लाइफ में चाहे वो सक्सेस हो करियर की चाहे वो बॉडी की गुड हेल्थ हो चाहे वो हैप्पी मनी हो आपकी चाहे वो ट्रू लव हो आपका चीजें टिक क्यों नहीं रही चीज़ें आ रही हैं लेकिन टिक क्यों नहीं रही बेसिकली स्पिरिट यहां पर आपको इसकी क्लैरिटी देने में लगे हुए हैं कि टिक क्यों नहीं रही चीज़ें क्योंकि चीजें चीज़ों की जो एसेंस में इमोशंस uh, बैठे हुए हैं अच्छे वाले होते हैं तो आप उनको महसूस करते हो आप उनको प्रोसेस करते हो फिर आगे बढ़ जाते हो डिफ़िकल्ट इमोशंस को आप जैसे कह लीजिए कि यहाँ पर दबा लेते हो सप्रेस्ड कर लेते हो और उस उसी उस उसी प्रोसेस में आप उसको मैन्यूपुलेट कर देते हो अपनी इमोशनल बॉडी को आपकी इमोशनल बॉडी की अपनी एक यू नो ब्रेन है आपकी इमोशनल बॉडी कह रही है कि अरे अभी तो कुछ डिफिक, डिफिक, डिफिकल्ट हुआ था और इस डिफ़िकल्ट इमोशन के चलते यू you नो know, मुझे मुझे एक एक सैडनेस को फील करने की ज़रूरत है एंगर को फील करने की ज़रूरत है या हर्ट को फील करने की ज़रूरत है लेकिन मुझे जो सिग्नल दिए जा रहे हैं वो ये है कि नहीं इस डिफ़िकल्ट इमोशन को महसूस मत करो बस हैप्पी इमोशन को महसूस करो तो मैं इसका क्या करूँ आपकी इमोशनल बॉडी है, तो मैं इसका क्या करूँ ये भी तो है ना हकीकत अगर ये हकीकत है तो ये भी तो हकीकत है इसका मैं क्या करूं अगर तुम इसे प्रोसेस नहीं करोगे तो मैं इसे कहां रखू तो ये पायलप होने वाली एनर्जी है लीब्रा आपके लिए और आपकी इमोशनल बॉडी ये बेसिकली आपको मैसेज दे रही है ऐसा करने की वजह से ही चीजें आपके लाइफ में एक पैटर्न आ रहा है कि चीजें आती तो हैं न्यू बिगनिंग होती तो है लेकिन टिकती नहीं है लेकिन टिकती नहीं है वो क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन की ही एनर्जी उसमें आके बैठ जाती तो चीजों का आकार नहीं आ पाता शेप नहीं आ पाती उनकी तो क्लैरिटी क्या है यहां पर क्लैरिटी यही है अगर आप चीजों में एक रूटेड एनर्जी देखना चाहते हो खास करके अच्छी चीजें न्यू ब्लेसिंग्स वाली न्यू बिगनिंग्स वाली कि चीजें आए और टिके मेरी लाइफ में तो अब से बस इस चीज को गांठ लगा लो अपने में कि अगर कोई डिफिकल्ट इमोशन भी आता है तो यह मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसे मैन्यूपलेट ना करूं अगर गुस्सा आ रहा है तो मुझे गुस्सा फील करने की जरूरत है जरूरत है ताकि मैं उसे प्रोसेस कर सकूँ और फिर आगे रिलीज कर सकूँ अगर मुझे उदासी महसूस हो रही है तो ये लीबरा आप आपको इजाजत है उदासी महसूस करने की उदासी महसूस करने में प्रॉब्लम नहीं है उदास होकर उदासी में बैठ जाने में प्रॉब्लम है उदासी में उतरना प्रोसेस करना रिलीज करना इज गुड लेकिन उदासी में उतरे लेकिन बाहर नहीं निकल पाए उसमें प्रॉब्लम है और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लीब्रा यही गलती करे वो कि उन्हें डर लग रहा है कि अगर उन्होंने किसी अगली इमोशन को यू नो एड्रेस कर दिया तो फिर वो उनके ऊपर हावी हो जाएगा लेकिन यही तो आपको समझने की जरूरत है लीब्रा दिस इज योर हायर सेल्फ दिस इज किंग ऑफ कप्स राइट किंग और क्वीन टेरो में क्या होते हैं हायर सेल्फ की एनर्जी होते हैं बेस्ट वर्जन वाली तो आप दिस इज यू दिस इज यू आपकी हायर सेल्फ कह रही है तुम्हारी ये गलत फहमी है ये तुम्हारे यू नो फैमिली का कह लीजिए कि पैटर्न हो सकता है जो तुमने उनसे सीखा अपने इर्द गिर्द के लोगों से सीखा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हो सकती है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में लॉ ऑफ एट्रैक्शन ने बहुत लोगों का दिमाग ख़राब कर रखा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है नेगेटिव मत सोचो क्योंकि नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव मैनिफेस्ट हो जाएगा ऐसा नहीं होता ऐसे चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती ऐसा तो शैडो बन जाएगी आपकी अगर आपने चीज़ों को यू नो सप्रेस कर दिया बहुत ज़्यादा फिर रिप्रेस्ड हो गई फिर इमोशंस आपके और यही मैसेज आपकी हायर सेल्फ का भी है किंग ऑफ कि नहीं तुम्हें लगता है कि डिफिकल्ट इमोशंस को एड्रेस करने से डिफिकल्ट बातों को एड्रेस करने से वो तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएंगे लेकिन ऐसा हो नहीं सकता फाइव ऑफ पेंटिकल्स कभी भी किंग ऑफ कप्स के ऊपर हावी नहीं हो सकता ये लाख कभी भी इसके ऊपर हावी नहीं हो सकती किंग ऑफ कप्स जो है वो अबंडेंट है वो इमोशनली मेच्योर्ड है उसने किंग की स्टेट को हासिल कर लिया है सो दिस इज यू ओके okay? इमोशंस को प्रोसेस करने से लिब्रा आपका ढेर नहीं लगेगा और यहाँ पर चीज़ों में जो ठहराव आना चाहिए जो चीज़ें टिकनी चाहिए आपके जीवन में खुशहाली वो फिर टिकेगी ओके okay? ये क्लैरिटी है दिस इज वेरी डीप ओ माय गॉड दिस इज वेरी डीप ये करने से क्या होता है अगर आप इसे करते हुए इस सिनारियों को इस इस एक पोटेंशियल को यूज़ करते हो तो मैं देखना चाहती हूँ कि क्या होगा ओके तो इसी डेक से यूज़ करते हैं कि अगर मेरे लीब्रा साइन के लोग जो गाइड्स ने यहाँ पर हमको बताया है करने को अगर हम वो कर लें तो प्लीज़ आप हमें बताइए कि हमारे लिए कौन सी ब्लेसिंग है जो हमारा इंतज़ार कर रही है थैंक यू we have 10 of wands 6 of pentacles do card haulungi okay thank you thank you very much one more card please thank you okay आप ही का कार्ड है जस्टिस का कार्ड तो सबसे पहले तो बिहाइंड द सीन बिहाइंड द सीन में हमारा कर्मा आ जाता है हमारा पर्पस आ जाता है यू you नो know, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं ऐसी चीज़ें जिसके बारे में हम बात नहीं करते लेकिन है बेसिकली बिहाइंड द सीन तो उसमें पहले तो बैलेंस आएगा ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है बैलेंस की एनर्जी आप यहाँ भी देख सकते हो स्केल में तो एक बड़ी ब्लेसिंग अगर हम ये कर लें लीब्रा क्योंकि मैं मैं भी लीब्रा तो खुद को काउंट करके बोल रही हूं गे? अगर हम ये कर लें तो बैलेंस की जो सागात है, है बहुत सारी चीजें जैसे बिखरी हुई है ना उनमें एक ठहराव उनमें एक बैलेंस आ सकता है और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स से मुझे एक ऐसी पोजीशन भी आपके लिए नजर आती है लीब्रा जहां पर आप किसी के हमदर्द बन पाए ये बहुत बड़ा अहदा है क्योंकि इसमें रिस्पेक्ट बहुत है ऐसे लोग जब दुनिया से चले भी जाते हैं तब भी इनका नाम जिंदा रहता है इनके कर्म जिंदा रहते हैं राइट तो ये एक ऐसा अहदा है एक ऐसा पाथ जिसके साथ आपको आप जुड़ सकते हो अगर आप लिटरली ये जो प्रोसेसिंग की मैंने बात की उसको कर लें किसी के हमदर्द बनना सेवा भाव डोनेशंस कर पाना इतनी मनी आपके पास आ जाए कि आप डोनेशंस कर पाए मंथली बेसिस पर कर पाएं और एक से ज्यादा लोगों की मदद कर पाए तो ये बहुत बड़ी पावर है फाइनेंशियल फाइनेंशियल ग्रोथ दिख रही है मुझे ओके okay? कार्ड्स देख लो मैं पहले ओ माय गॉड ओ माय गॉड लीब्रा वाओ वी हैव द सन कार्ड एंड वी हैव द एम्प्रेस अभी कैमरे की जो बैटरी शो हो रही है ना उसमें वन 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 आ रहा है तो फिर से एक डबल कंफर्मेशन है एंजल नंबर से भी इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्पेस हियर सो वी हैव द सन कार्ड एंड वी हैव द एम्प्रेस दिस येल्लो लाइट दिस येल्लो एनर्जी लीब्रा कौन नहीं किसको नहीं चाहिए ये सो so, एक प्लेसिंग बैलेंस के साथ साथ और अबंडेंस के साथ साथ ये है खुद में मनी मैग्नेट बनना ये एनर्जी मैनिफेस्ट नहीं करती मैं आपको ये बताऊं पहले ये जो दो कार्ड्स है ना इन्हें मैनिफेस्ट करने की जरूरत नहीं है मैनिफेस्ट तो आम लोग करते हैं इनको मैनिफेस्ट करने की जरूरत नहीं है ये तो ये तो मैग्नेट है ये तो बस सांस ले और उनकी तरफ चीजें अट्रैक्ट हों ये वो ऊर्जा है तो आप क्या बनोगे अगर आप ये कर लो आप लिटरली मनी मैग्नेट लव मैग्नेट रिस्पेक्ट मैग्नेट आई डोंट नो कुछ भी लगा लो मैग्नेट के आगे वो आप बन जाओगे जहाँ पर आपको बाकियों manifest, manifest, manifest की तरह जैसे मैनिफेस्ट 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 नहीं करने की जरूरत आपके लिए चीजें बस हो रही हैं अपने आप अप से हो रही हैं आप सांस ले रहे हो आप एग्जिस्ट कर रहे हो बस खुश हो मेडिटेशन कर रहे हो दैट्स सेट और चीज़ें आपके लिए हो रही हैं ये वो एनर्जी है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर स्पेसिफिक uh, मैसेज है कुछ महिलाओं के लिए जो कंसीव करने की बहुत कोशिश कर रही हैं लेकिन आपका वो नहीं हो रहा आपका या तो लॉस हो रहा है या फिर पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दिख रहे आपको है ना लैक में बैठी है आपकी कोक की ऊर्जा तो ये स्पेसिफिकली उन महिलाओं के लिए है ट्रस्ट मी माय लव्स मेरी बहनों प्लीज़ मेरी बात को सुनो आपके लिए माँ का सुख है आपकी कोक खिल सकती हैं ओके okay. ये नहीं हो रहा बस आप डिफ़िकल्टी इमोशंस को प्रोसेस नहीं कर रहे एड्रेस नहीं कर रहे बस अच्छे 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 इमोशंस को कर रहे हो और डिफ़िकल्टी इमोशंस का ढेर लगा रहे हो और वो आपके कोख के इर्द गिर्द बैठी हुई है नेगेटिव एनर्जी इसको अगर क्लियर कर दो आप उनको एड्रेस करके उनको प्रोसेस करके रिलीज़ करके तो आपकी कोख जो है खिल खिल जाएगी यहाँ मुझे टाइम पीरियड भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली जो समर सीज़न है 2024 का बहुत ब्लेस्ड ब्लेस टाइम पीरियड है अगर अभी आपने इस एनर्जी वर्क को कर लिया इन वर्क को कर लिया लीब्रा तो यस नेक्स्ट ईयर जो है 2024 की जो समर सीजन है खुशहाली ही खुशहाली है अबंडेंस ही अबंडेंस है कुछ लोगों के लिए नया घर है नई प्रॉपर्टी है अगर आप घर भी नहीं बनाते हो तो आप मुझे जगह खरीदते हुए नज़र आते हो कोई प्लॉट वगैरह लेना ओके okay, तो यस बिग ब्लेसिंग्स हे वी टॉकिंग अबाउट द कंप्लीशन लिब्रा दिस इज द कंप्लीशन ये ये हंड्रेड परसेंट कम्प्लीशन नहीं है इसलिए कि मुझे रास्ता मिल गया अब मुझे मेरा घर दिख रहा है अब मैं थोड़ी सी चैन की सांस एक्स्ट्रा ले सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं घर पहुंचने वाला हूँ एक बहुत बड़ी लाइट दिख जाना अपने किसी गोल के बारे में कि हाँ अब तो ये मुझे मिलेगी मिलेगी इसको कोई नहीं डाल सकता ये भी होगा अगर अभी आपको आपके धुंधले लग रहे हैं ना सपने और आपको लग रहा है कि और कितना चलूँ और कितना मेहनत करूँ और कितना वर्क करूँ और कितना करूँ और कितना 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 मतलब अगर ये ऐसी फ्रस्ट्रेशन है तो मेरे बंधु तुमको ये काम करने से तुमको ये जो है डेस्टिनेशन का चेहरा दिखने लगेगा जैसे मुझे ना वैष्णो देवी की चढ़ाई नज़र आ रही है वैष्णो देवी के बारे में ना थोड़ी मुश्किल है चढ़ाई उसकी अगर आप गए हो वैष्णो देवी मैं गई हूँ वहाँ पर तो मुझे इसलिए पता है कि वहाँ पर भक्त यू नो जब वो माता माता रानी का मंदिर जब दिखने लगता है ना तो वो और टांगों में और सुफुर्ती आ जाती है और उसमें ताकत आ जाती है कि कि भवन अब नज़दीक है अब और तेज़ी से आगे बढ़े और माता के करीब जाए यू नो ये वही एनर्जी है लिटरली आपको अपना भवन दिखने लगना आपको अपनी डेस्टिनेशन अपनी मंजिल दिखने लगनी और एक विश्वास आने लगना कि हाँ आप तो पहुँच गए अब तो कोई टार ही नहीं सकता इस चीज को मेरी इस जीत को मेरी इस कंप्लीशन को कोई रोक ही नहीं सकता तो इसलिए आगे बढ़ते बढ़ते एक एक एक्स्ट्रा यू नो आना एक एक्स्ट्रा जोश चढ़ना ये वो ऊर्जा है ओके ये वो एनर्जी है यहां पर दिस इज ब्यूटिफुल लीब्रा दिस इज ब्यूटिफुल कर लो मेरी जान कर लो कर लो इसे मैं यहां पर एक्चुअल में अः uh, लीब्रा ये भी देखना चाहती हूँ ओके okay, कि इसके लिए अगर कोई विधि है अगर कोई टेक्निक है यहाँ पर ये यह प्रोसेस करने की पहले तो हालांकि अवेयरनेस से लेकर आनी है आपको कि मेरे डिफ़िकल्ट इमोशंस को मुझे एड्रेस करना है लेकिन अगर कोई विधि है तो वो भी देख लेते हैं यहाँ पर थैंक यू विधि है क्या यहां पर फिर से सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है uh, क्लियर करना आई थिंक अगर आप यहां पर हार्ट चक्रा हीलिंग भी करेंगे ना मुझे ऐसे आपके दिल पर ही ये पूरा पायलप होता हुआ नजर आ मतलब ऐसे लग रहा है कि आपके okay, दिल पर ही बोझ है जैसे जिससे दिल कह रहा है कि प्यार के सिवा भी तो कुछ और इमोशंस हैं जिसे मुझे महसूस करना है जिसके लिए मेरा दिल धड़के तो बस वही है अगर आप अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग कर सकें हार्ट चक्रा चक्रा मेडिटेशन कर सकते हो यूट्यूब पर आपको फ्री में वो म्यूजिक मिल जाएगा ग्रीन कलर की कैंडल्स अपने लिए लगा सकते हो ओके okay? और साथ ही साथ दिल से कोई ऐसी प्रार्थना करना जिस ऐसे किसी कॉज के लिए प्रार्थना करना जिसके लिए आप जेन्यूनली मतलब कंसर्न हो जैसे हम सभी का ना कोई ना कोई रहता है किसी को जानवरों के लिए कुछ करना है वो जानवरों का दुख नहीं देख सकता किसी के लिए किसी ने यू you नो know, जैसे ओशन जैसे जैसे बीच हो तो बीच की गंदगी कुछ लोगों को बॉर्डर करती है तो आप कोई भी ऐसा मुद्दा उठा लीजिए जिसके लिए आप जेन्यूनली कंसर्न हो और जेन्यूनली आपको लगता है कि यार ये चीज़ धरती पर नहीं होनी चाहिए ये पाप नहीं होना चाहिए कोई भी उठा लो मुद्दा ठीक है उसको उठा लो और बस आपको उसके लिए छः दिन लगा लो सात दिन लगा लो लगातार उसके लिए आपको प्रार्थना करनी है प्रेयर्स करनी है ओके okay? आप मेडिटेशन की भी इस तरीके से इंटेंशन सेट कर सकते हो कि ये जो मैं साधना ये जो मैं तपस्या कर रहा हूँ इसका कर्म मुझे नहीं चाहिए इसका प्रताप इसका सुख इसका कर्म जो है परमात्मा ये जो कॉज ये जो ये जो पाप हो रहा है इस पाप से मुक्ति में इसका फल लग जाए मैं ये साधना इसके लिए कर रहा हूँ मैं अपनी तपस्या इसलिए कर रहा हूँ ये जो प्रोसेस है ये आपको भी निर्मल करेगा एक तीर दो निशाने एक तरफ से प्रार्थना चल रही है किसी बड़े कॉज को हील करने के लिए उसकी मुक्ति के लिए और दूसरी तरफ देखो आपका खुद का जो एनर्जी फील्ड है वो क्लीन होगा ओके okay? तो हार्ट चक्रा हीलिंग कर सकते हो किसी स्पेसिफिक कॉज के लिए चाहे वो एनिमल्स के लिए है चाहे वो पर्यावरण के लिए एनवायरमेंट के लिए है चाहे किसी भी के लिए है मेरी जान चाहे किसी भी चीज के लिए है आपको पता होगा बस उसके लिए प्रार्थना करनी और मेडिटेशन करनी है ओके okay. ये विधि अगर आप लगा लेंगे तो ये ये रिलीज हो जाएगा ये जो नेगेटिव एनर्जी यहां पर आई है ना ये ये रिलीज हो जाएगी और आपके हिस्से की खुशियां फिर आपको मिलेंगी ओके ऑल राइट लीब्रा मैं यहां पर अब कन्फर्मेशन में जाना चाहूंगी कि कन्फर्मेशन लीब्रा साइन को किस चीज की चाहिए लेट्स थैंक यू कन्फर्मेशन फॉर you. थैंक यू ओ वाह ओके Listen. मैं पूरे कार्ड्स नहीं लिए हैं मैंने अभी लेकिन फिर भी मैं जो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं पहले मैं वो दे दूं. लिसन डीबरा अगर यहाँ पर आपको इस चीज़ की कंफर्मेशन चाहिए कि क्या आपको ऐसा पाथ चूज़ करना चाहिए जिसमें फ़ेम है रेकगनीशन है जिसमें खुद का बॉस बनना है जिसमें अपनी फैमिली में आपको वो पहले शख्स बनना चाहते हैं कि हाँ मेरे मेरे मैंने ये स्टार्ट किया मैंने इस चीज़ को दिशा दी मैंने यू you नो know, मैंने बेसिकली अपने ख़ानदान को भी एक पाथ दे दिया एक रास्ता दिखा दिया ये ये काम करके ऐसी अगर कोई भी म, मन में बात है आपके और आप सोच रहे हो कि मैं करूं कि ना करूं करूं कि ना करूं करूं कि ना करूं द कन्फर्मेशन हेयर इज यस प्लीज डू इट दिस इज क्वीन ऑफ वॉन्स प्लीज 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 लीब्रा प्लीज इसको करो आप बने हो इस चीज के लिए आप बने हो दिल को धड़काने के लिए आप बने हो यहाँ पर रेकग्नेशन के लिए आप बने हो यहाँ पर फेम के लिए आप बने हो यहाँ पर आप स्टेज पर जाकर अवार्ड्स को रिवॉर्ड्स को रिसीव करने के लिए आप बने हो कि जहां पर स्पॉटलाइट आपके ऊपर हो आप बने हो अपनी फैमिली को रास्ता दिखाने के लिए आईना दिखाने के लिए आपसे ही शुरू होनी है चीज़ें सो प्लीज़ डू इट लीब्रा प्लीज डू इट दिस इज योर कन्फर्मेशन ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ब्लड लाइन में भी कोई फीमेल एनसेस्टर रहे हैं उनकी मौजूदगी है यहां पर वो भी आपको कह रहे हैं कि यस यस प्लीज करो प्लीज करो तुम जो ये सोच रहे हो ना इस बात पर चलने का प्लीज करो तुम बने हो इसके लिए वो भी आपके लिए चेयरअप कर रहे हैं वो भी आपके लिए यहां पर आपको मोटिवेशन भेज रहे हैं ओके okay? ये जो एनसेस्टर हैं इनकी आंखों के बारे में कुछ है ऐसा आई थिंक इनकी आंखों जब ये अपने टाइम पीरियड में थे इनकी आँखों के बारे में इन्हें बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते होंगे ये जो भी फीमेल एनसेस्टर हैं इनकी आइज ओके okay. और कौन से कार्ड हैं ओ माई कॉश वी हैव द फोर ऑफ वॉर्न्स वी हैव द जजमेंट कार्ड वाओ इस समय इस रीडिंग को देखते वक्त लीब्रा अगर आपके जहन में कोई शख्स भी हैं लव पार्टनर में बोल रही हूँ ओके रोमांटिक रिलेशनशिप्स के लिहाज से अगर कोई शख्स है आपके दिमाग में और आप सिंगल और आप सोच रहे हो कि क्या इसी से मेरी शादी होगी मतलब आप अपने दिमाग में सोच रहे हो कि क्या मेरी इससे शादी होगी द आंसर इज यस ये जो भी पर्सन इस समय आपके एनर्जी स्पेस में है मौजूद है और जिसके बारे में सोचकर आप शादी जो ये शब्द है मैरिज ये शब्द जब आप बोलते हो और जिसका चेहरा आपके सामने बनता है यस स्पिरिट इज सेइंग यस यही आपका पर्सन है दिस इज योर कन्फर्मेशन ये दो कार्ड्स ये आपकी कन्फर्मेशन है कुछ लोगों के लिए कोई स्कॉर्पियो साइन का स्पेसिफिक पर्सन है यहां पर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि ओके okay. ये जो शख्स है ये सिर्फ आपका सोलमेट ही नहीं आपका ट्रू लव ही नहीं बल्कि इस शख्स के साथ आपकी बहुत सारी पास्ट लाइफ्स भी रह चुके हैं आप मतलब पास्ट लाइफ से ही एक दूसरे को जानते हो अभी का नाता नहीं है आपका ओके okay, अभी का नाता नहीं है आपका ये पर्सन बहुत बड़ा हीलर हो सकता है बहुत बड़ा हीलर लिटरली इस शख्स का प्रोफेशन हो सकता है कोई हीलिंग से जुड़ा हुआ ओके मेटाफिजिकल शॉप हो सकती है इसकी या ऐसा कुछ सो, करने के बारे में ये सोचता है ओके या ऐसे हीलिंग टूल्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं लेकिन ये डेफिनेटली आपका सोलमेट है ओके ये डेफिनेटली आपका सोलमेट है मैं एक और कार्ड ले लूँ फिर मैं पूरी पिक्चर की यहाँ पर बात करती हूँ एक कार्ड और चाहिए लीब्रा के लिए लीब्रा की कंफर्मेशन के लिए मुझे wow, ये डेक्की बहुत पसंद है इतना अर्दी इसकी वाइब है इसके कलर्स है इतने म्यूटेड से हो रखे वी हैव क्वीन ऑफ कप्स दो क्वीन्स है यहाँ पर कन्फर्मेशन में आपके लिए एक मैसेज ये भी है अगर कुछ यहाँ पर लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या मैं सही पैथ पे हूँ योर आंसर इज यस आप जो भी क्रिएट कर रहे हो वो सही पैथ पे चलकर कर रहे हो और सही तरीके से कर रहे हो क्रिएशन हमेशा एक्शन की नहीं होती मेरी जान ये ये जो पॉइंट मैं बोल रही हूँ इसको थोड़ा सा गहराई से समझना ओके okay? क्रिएशन हमेशा एक्शन की नहीं होती क्रिएशन कभी कभी थॉट्स की भी होती है विचारों की भी होती है जरूरी नहीं है कि हम कुछ हाथों से क्रिएट कर रहे हैं तभी वो वो तभी वो क्रिएशन कहलाएगी कभी कभी हमारा दिमाग किसी कैनवस को किसी पिक्चर को बना रहा होता है किसी कहानी को लिख रहा होता है तो अगर आपके दिमाग में भी कोई क्रिएशन चल रही है आप उसके साथ भी उस कहानी के साथ भी सही पैथ पे हो वॉट एवर यू आर थिंकिंग लीब्रा वट एवर इट इज मेरी जान बिल्कुल सही सोच रहे हो बिल्कुल सही चल रहे हो ओके okay? और जजमेंट से यहां पर आ, मैं एक ऐसे स्पिरिट गाइड की एनर्जी पिक कर रही हूं लीब्रा आपके लिए जो ये है पहरेदार की एनर्जी आपके एनर्जी फील्ड में ये जो भी आपके चल रही है क्रिएशन की आपके माइंड में या लिटरली आपकी रियलिटी में भी आप सच में शायद कुछ क्रिएट कर रहे हो यू you नो know, कोई आइडिया था उस पर आपने एक्शन ले लिया अगर ऐसा कुछ भी है तो कोई ऐसा पहरेदार है यहाँ पर कोई ऐसा स्पिरिट गाइड है यहाँ पर जो मेक मेकश्योर sure कर रहे हैं कि इस क्रिएशन में कोई पेन ना ऐड हो मतलब कोई डिस्ट्रैक्शन कोई धोखा कोई डाउट कोई कंफ्यूजन किसी की चीटिंग किसी का बुरा साया ना ऐड हो क्रिएशन में पेन नहीं है यहाँ पर और ये स्पिरिट गाइड यहाँ पर उसकी उसकी यू नो उसमें आपकी हेल्प कर रहे हैं मैं जानना चाहूँगी कि आप कौन हो प्लीज़ बताइए आप कौन हो थैंक यू प्लीज़ बताइए हमें कि आप कौन हो और मैं यहाँ पर आपको ग्रैटिट्यूड भी शो करना चाहूँगी कि आप हमें प्रोटेक्ट कर रहे हो थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरी तरफ़ से और मेरे लीब्रा भाई बहनों की तरफ से थैंक यू आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप कौन हो ओ ओके दिस इज बाबा यागा दिस इज पेशेंस और मैं जब शफल कर रही थी uh, मुझे ओम साउंड सुना सो दिस इज यहाँ पर मतलब ये ये अलग अलग लेवल पर कॉन्शियसनेस है कुछ लोगों के लिए डायरेक्ट कॉन्शियसनेस है लॉर्ड शिवा की शिव शंकर की शिव शंकर महाराज की ये डायरेक्ट एनर्जी है वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं वो आपकी क्रिएशन में पेन ना ऐड हो वो इसको मतलब वो इसका इसको मेक श्योर sure करते हैं कि वो उसमें पेन ना ऐड हो उसमें बेसिकली स्टेबिलिटी और खुशी ही रहे ट्रांसफॉर्मेशन ही रहे ओके और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोई योगी है हालांकि हम आदि योगी ही बोलते हैं शिव शंकर महाराज जी को लेकिन यहाँ पर ये स्पेसिफिकली कोई जैसे असेंडेंट मास्टर हैं जिन्होंने योगा का सहारा लेकर खुद को असेंड किया ओके ये कोई बहुत बड़े टीचर भी रहे हैं योगा के आई डोंट नो यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है वोल्फ स्पिरिट से टीचर की तो जैसे किसी ने योगा सिखाया हो ये वो स्पिरिट गाइड भी हैं तो मुझे कोई नाम नहीं चैनल हो रहा पटियस अगर आप इनके कार्ड को देकर इनके चेहरे को देखकर अगर आपको किसी का चेहरा याद आए इनके स्वरूप को स्वरूप को देखकर किसी की छवि किसी का नाम याद आए तो ये आपके वो स्पिरिट गाइड हैं ओके लेकिन ये कोई योगा के टीचर रहे हैं और लेकिन इन्होंने इनकी एसेंशन हो गई ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल तो यस ये कन्फर्मेशन है लीब्रा आपके लिए दिस इज सो ब्यूटिफुल आई लव दिस रीडिंग अब हम बात करेंगे यहाँ पर कंफर्ट की ओके और ये स्पेसिफिकली सेक्शन उन लोगों के लिए है जो इस समय अच्छा नहीं महसूस कर रहे जिनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा जो हीलिंग ढूंढ रहे हैं मन की शांति ढूंढ रहे हैं ओके तो हम यहाँ पर जो है इसको यहाँ रख देते हैं ताकि थोड़ी स्पेस मिल जाए ओके चलो कार्ड्स को शफल करते हैं कौन सा डेक यूज़ करूँ ओके थैंक यू कंफर्ट आप कौन सा कंफर्ट देना चाहेंगे लीब्रा साइन के लोगों को We have five of wands. और यहां है कार्ड आपने किसी चीज पर बहुत भरोसा किया लेब्रा ये लिटरली भगवान के नाम की ताकत भी हो सकती है जैसे आपने किसी चीज की आस रखी आपने कहा कि मैं अपना पूरा विश्वास इस चीज में इस एंटिटी में इस गॉड God, गॉड में या इस पर्सन में या इस विधि में डालता हूं ओके okay? और वो आस जो है वो टूट गई ओके okay? यहां पर एक टूटी हुई आस है यहां पर एक ऐसी ऊर्जा है कि मैंने तो विश्वास किया अनाज तुम तुम भी तुम ही तो बोलती हो कि विश्वास करो विश्वास करने से होगा मैंने किया नाज मैंने किया विश्वास लेकिन देखो मेरी आज अधूरी रहेगी मेरी प्रार्थना अधूरी रहेगी मेरा सपना अधूरा रह गया तो यहां डेफिनेटली एक टीस है और इस मैसेज को देते हुए मैं ये कहना चाहूंगी आपको और पूरी ईमानदारी पूरे दिल से ये बात कहना चाहूंगी आपको लीब्रा दैट आई सी यू आई सी यू आई सी योर पेन सी योर फ्रस्ट्रेशन और मैं इस चीज को बहुत अच्छे से समझती हूं कि ये जो आपका सवाल है कि ऐसा क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों ये बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है और मैं इसे इस तरीके से नहीं ढकना चाहूंगी या उसको हील करना चाहूंगी कि नहीं 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 वो डिवाइन टाइमिंग की वजह से या फिर यू you नो know, आप किसी चीज में चूके नो आई थिंक आपने आपके बल में जो आप कर सकते थे आपने वह सब किया ओके? Okay? So, मैं यहां एक मोमेंट लेना चाहूंगी और आपकी पेन को आपकी एफर्ट um, को जो आपने इस चीज को इस आस को इस मुराद को पूरा करने में लगाया मैं उसे एक्नॉलेज करना चाहूंगी कि यस आपने जो आपके हाथ में जितना था आपने सब किया और एक इंसान अगर ट्रस्ट के चलते पूरा अगर ट्रस्ट किसी चीज में डाल रहा है और उसके बाद अगर वो चीज नहीं हो रही तो यस दर्द होता है नहीं आती नींद रात को हो जाती है फिर जेलसी की कहानी शुरू की हाँ हम कैसे हम कैसे ना जलस करें मैंने भी तो मेहनत की लेकिन मैं तो नहीं आगे निकला नहीं आगे निकल पाई और सामने वाले को देखो तो कैसे ना जलसी आए कैसे ना गुस्सा आए कैसे ना मैं हर्ट महसूस करूं सो यस लीब्रा आई सी यू ओके आई सी यू एंड आई थिंक यहाँ पर कंफर्ट ही इस चीज़ का स्पिरिट uh, uh, भी आपको दे रहे हैं कि यस इस बार हम ये जो स्वीट पिल होती है यू you नो know, एक मीठी गोली दे दो और बस कुछ समय तक कह दो कि हाँ दर्द हील हो गया ये नहीं करेंगे इस बार इस बार हम अपने अपनी इस दिक्कत के साथ कि यार मेरी क्यों नहीं आस हुई पूरी मुराद क्यों नहीं हुई पूरी बुरा ट्रस्ट डालने के बाद सब कुछ करेक्ट करने के बाद तो क्यों नहीं हुआ मुझे इसे एड्रेस करना है कंफर्ट की पहली पहला स्टेप ही यही है कि पहले इसको एड्रेस करेंगे अब कोई मीठी गोली नहीं ओके okay, अब कोई मीठी गोली नहीं वी हैव द द नाइट ऑफ़ ऑफ़ एंड वी हैव पेंटिकल्स कुछ लोगों के लिए ये कमिटमेंट रिलेशनशिप की किसी कमिटमेंट या रिलेशनशिप की किसी प्रॉमिस uh, के बारे में हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आई कुछ लोगों के लिए करियर ओके okay? करियर में कुछ नया करना था लेकिन वो उस तरीके से अनफोल्ड नहीं हुआ जैसे आप सोच रहे थे यहां पर एक ऐसी एनर्जी है लिप्रा जो जो ये नहीं बात कर रही कि ये गलत था वो गलत था ना मजिशियन अपने आप में परफेक्ट कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स अपने आप में परफेक्ट कार्ड यू नो नाइट ऑफ सोल्स अपने आप में परफेक्ट कार्ड फाइव ऑफ वन से हम कह सकते हैं कि हाँ हम थोड़ा सा उलझ गए या फिर कह लीजिए कि जिस समय के दौरान हमें अपने कर्म पर अपने एक्शन पर फोकस रखना था उस समय हम थोड़ा सा भटक गए डिस्ट्रैक्टेड हो गए बाकियों में उलझ गए लेकिन ये फिर भी फाइव ऑफ वॉन्स की एनर्जी इतनी सीरियस नहीं होती टैरो में होती है मतलब इट्स एक, एक एनर्जी है जिसके साथ डील करना बहुत जरूरी है समय रहते ही लेकिन इतनी सीरियस एनर्जी नहीं गिनी जाती सो so, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कुछ गलत हुआ मतलब कुछ सीरियसली आपसे कोई ऐसी गलती हो गई जिसकी वजह से ये हुआ आपके साथ um, यहां बस एक ऐसी एनर्जी मौजूद है कि कि ये चीज ऐसे छुट्टी नहीं है हाथ से यहां पर पता है कैसी एनर्जी है कि आप जैसे कह रहे हो कि आई वॉन्ट रेड एप्पल मेरे को लाल रंग का सेब खाना है लाल रंग का सेब चाहिए मेरे को एंड वो आपको नहीं मिला आप हर्ट हो गए ओके okay? और यहां पर कंफर्ट पता है क्या है कंफर्टिंग मैसेज क्या है कि यस yes, तुमने रेड एप्पल मांगा तुमने उसे मैनिफेस्ट किया तुमने उसके लिए पैसे इकट्ठा किए और आप बाजार गए और फिर वहां पर आपको नहीं मिला यू you नो know? और आप उदास हो गए आप हर्ट हो गए यस yes, ये एक सिनारियो है लेकिन ये हुआ क्यों बेसिकली ये इसलिए हुआ है क्योंकि आप यहां पर लिमिटेड हो गए सेब जो है एप्पल जो है उसके रंग को लेकर यहां पर यह कहना कि ओके मुझे ये मुझे एप्पल चाहिए या मुझे रेड एप्पल चाहिए रेड एप्पल में क्या है कंडीशन है ओके okay. रेड रेड एप्पल एप्पल में क्या है कि मुझे ही चाहिए ग्रीन पड़ा होगा तो मैं नहीं खाऊंगा गोल्डन पड़ा होगा तो मैं नहीं खाऊंगा गोल्डन एप्पल भी होते हैं बाय द वे अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ नहीं गोल्डन एप्पल भी होते हैं मैं जहां रहती हूं वहां पर मिलते हैं इसलिए मैं उसे रेफर कर रही हूँ बट आप समझ गए मेरे पॉइंट को राइट कि एक चीज इसमें चूके नहीं हो तुम इस चीज की तुमने अभी इस चीज को सीखा ही नहीं you नो know, जैसे यहां पर कि एक एक होता है लिमिटेड कॉन्शियसनेस से कुछ मांगना कुछ चाहना और एक होता है इंफानाइट इंफिनिटी की स्पेस से कुछ मांगना कुछ चाहना सो so, ये एनर्जी का सिर्फ रूप बदलना ये ये इसकी आवश्यकता थी और क्योंकि ये इसकी फुलफिलमेंट नहीं हुई इस वजह से ये चीज आपको नहीं मिली और आप हर्ट हो गए इसकी ब्राइट साइड में क्या है कि यस ये चीज अभी भी आपके एनर्जी फील्ड में है इसके हाथ में भी वॉन्ड है यहां पर भी पेंटिकल है यहां पर भी सोड है तो ये चीज आपके हाथ में है मेरी जान अभी भी ओके ये चीज अभी भी आपके एनर्जी फील्ड में मौजूद है इस चीज की ये रूप बदल के मिलेगी आपको ये आप क्या? आपने जो कंडीशन लगाई ना कि मुझे रेड एप्पल चाहिए तो इसको इस कंडीशन इस को हटा दो बस कहो कि मुझे एप्पल चाहिए ओके एंड देन यूनिवर्स विल डिसाइड फॉर यू ये जो भी आपकी इच्छा है ये जो भी आपकी डिजायर है इस चीज़ के लिए कह रहे हैं कि इसमें इसमें ज्यादा पावर जो है तुम्हारे हमें हमें यहाँ पर जैसे को क्रिएट करना है यू you नो know, तुम कुछ यहां से मांगो और फिर तुम मैं, मैं तुम्हें यहाँ से कुछ दूंगा या दूंगी अगर आप यूनिवर्स को फीमेल एनर्जी में रूप के रूप में देखते हैं इसकी इस कंडीशनल एनर्जी में जब भी आप जाओगे ना आप हर्ट होंगे और जब कंडीशनल से अनकंडीशनल जो सफर है उसकी तरफ बढ़ोगे आप तो चीजें आपको भर भर के मिलेंगी और आपकी हीलिंग भी हो पाएगी तो कंफर्टिंग मैसेज यहां पर यह है लीब्रा की जो भी आपने चाहा जो आपको नहीं मिला आपके आस पास जो अधूरी रहेगी ये अभी भी है आपके एनर्जी फील्ड में यह आपको मिलेगी भी लेकिन यह अपना स्वरूप बदल के मिलेगी अपना रूप बदल के मिलेगी ओके okay? और आपके बिहाफ पर बस इसे एक्सेप्ट कर लो और कुछ नहीं और कुछ नहीं है यहां पर जो आपने मांगा यह आपकी डेस्टनी का हंड्रेड परसेंट हिस्सा है आपको ये डेफिनेटली मिलेगी यूनिवर्स आपको ये प्रेजेंट करेंगे गिफ्ट को ओके बस कंडीशन नहीं रखनी जैसे ये ये हो सकता है ये आपका लर्निंग लेसन भी हो जैसे आप हो सकता है इस असेंशन के पीरियड में ही हो ये भी तो असेंशन है अपने आप में अभी तक कंडीशनल स्पेस से मांग रहे थे अब अनकंडीशनल स्पेस से मांगेंगे ये देखो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ये भी असेंशन है तो ये जो भी हुआ इसने कैटलिस्ट का भी काम किया आपके लिए ये आपको असेंशन के लिए एक कह लीजिए कि डोर खोल दिया इसने आपके लिए राइट right? तो कन, तो यहां पर मिलेगी तो जरूर आपको बस कंडीशंस को हटा दो ये ये एक मैसेज है दिस इज अगेन दिस इज वेरी प्रोफाउंड आई थिंक जिस तरीके से इस रीडिंग में मैसेजेस आए हैं द वेरी प्रोफाउंड आपने एक्सेप्टेंस की बात की स्पिरिट हमें ये बताइए कि इस स्पेस में जहां पर लीब्रा हर्ट है इस स्पेस से कैसे एक्सेप्टेंस लगाएं, कैसे यहाँ पर कंडीशनल एनर्जी से बाहर निकलकर अनकंडीशनल एनर्जी को क्लेम करें क्या विधि है क्या रास्ता है क्या सल्यूशन है वी हैव द फाइव ऑफ पेंटिकल्स ओ वी हैव द वर्ल्ड कार्ड ओह, माय लीब्रा, ये तो वही बात हो गई कि यू नो एक ऐसा होता है ना कि हमें पता है कि आंसर क्या है पता है कि सोल्यूशन क्या है लेकिन हम फिर भी कभी कभी मूर्खता मुरु, करते हैं और सिर्फ से कहते हैं कि मैं आंसर्स दो मैं आंसर्स दो इट्स अ वेरी लॉजिकल आंसर है एक्चुअली यहाँ पर जो, जो मुझे मैसेज मिल रहा है आंसर बताए क्या है एक सिंपल सी स्पेस एक सिंपल सी स्पेस जिसमें हमें कंपैरिजन को इंट्रोड्यूस करना है कंपैरिजन इज अ वेरी इसको एक बहुत नेगेटिव वर्ड के रूप में देखते हैं स्परिचुअलिटी में यू you नो know, क्योंकि किसके सिर्फ शैडो एस्पेक्ट की बात होती है कंपैरिजन में अगर हम लाइट एट्रीब्यूस लाइट एस्पेक्ट की बात करें कंपैरिजन एक्चुअल में बहुत ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट है क्योंकि यहां पर वही अप्लाई हो रहा है यहां पर स्प्रिट कह रहे हैं कि कंपेयर योर लाइफ ऐसे किसी पर्सन के साथ अपनी अपनी लाइफ को कंपेयर करो जिसके पास वो नहीं है जो तुम्हारे पास है या सिंपली अपनी कॉन्शियसनेस में अपनी ये आपका ब्रेन है बेसिकली वर्ल्ड कार्ड क्या है आपका ब्रेन है ये ओके okay? अपनी अपनी लाइफ को इस रूप में देखना कि कितने सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनके पास वो नहीं है जो मेरे पास एक्चुअल में है तो मैं ऑलरेडी ब्लेस्ड हूं मैं तो ऑलरेडी ब्लेस्ड हूं ना क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वो चाहने की वो पाने की कोशिश कर रहे हैं जो मेरे पास ऑलरेडी है ये जो ये जो ये जो एक सिंपल अवेयरनेस है ना कि मेरे पास ऑलरेडी है और मैं ऑलरेडी ब्लेस्ड हूं इसको अगर आपने अपने दिमाग में ले आए तो अगला थॉट एक्सेप्टेंस का ही होगा अगला भाव अगली एनर्जी एक्सेप्टेंस की ही चैनल होगी ये है यहां पर आंसर ये है यहां पर आंसर हम ये कहते हैं ना कि कैसे आए एक्सेप्टेंस का भाव कैसे आए एक्सेप्टेंस का थॉट्स हमारे माइंड में तो ये उसका जरिया है बैठो गहरी सांस लो और जेन्यूनली देखो अपने इर्द गिर्द देखो और देखो कि कंपेयर करो तुम्हारे पास जो है क्या तुम्हारे एनर्जी फील्ड में कोई ऐसा शख्स है जिसके पास वो नहीं है ये आपको निर्मल करेगा ये आपको हम्बल करेगा ये आपको कहेगा कि ओ माय गॉश मैं तो मैं, मैं क्यों ना शुक्र हूं मैं तो ऑलरेडी बहुत ब्लेस्ड हूं इससे एक्सेप्टेंस आएगी और यही एक्सेप्टेंस कंडीशनल विशेष जो है कंडीशनल डिजायर्स जो हैं, उनको अनकंडीशनल एनर्जी में लेकर जाएंगी और अनकंडीशनल विल मैनिफेस्ट फॉर यू माय लव आपके लिए इन्फिनिटी मैनिफेस्ट होना चाहती है ओके okay. आप यहां पर लिमिटेड uh, चीजें कि हां बस इतना 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 लेकिन आपकी जो असेंशन ही है वो यही है कि नहीं इंफानाइट है मेरे लिए अनलिमिटेड है मेरे लिए गॉड लुक वी हैव टेन ऑफ सोट्स द कंप्लीशन इस पेन का अंत ये बहुत पेन का कार्ड है टेन ऑफ सोट्स में बहुत सारी फिजिकल पेन है जो आस मुराद पूरी अधूरी रह गई आपकी उससे जो पेन पैदा हुई उसका अंत है अगर आप यह कर लो दिस इज योर ब्लेसिंग टेन ऑफ सोथ इज योर ब्लेसिंग ओ माई गॉश एंड लुक लुके दिस ओ माई गॉश एंड लुक लुके दिस द डेथ कार्ड याप द न्यू बिक नेम आपकी मैनिफेस्टेशन की फुलफिलमेंट और जब वो मैनिफेस्ट पूरी हो जाए उसके साथ आपका नया चैप्टर और ये नया चैप्टर आपके लिए लेकर आएगा ट्रांसफॉर्मेशन दिस इज दिस इज ग्रेट लिब्रा दिस इज ग्रेट फाइंड द सीक्रेट्स हिडन इन द्रामबुल्स ब्राम्बुल्स यहाँ पर कुछ भी हो सकते हैं ब्राम्बुल्स आपकी इमोशनल बॉडी हो सकती है ब्राम्बुल्स आपके यहाँ पर यू um, नो you know, आपकी 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 साइकिक एनर्जी हो सकती है आपकी साइकिक बॉडी हो सकती है आपकी डी एन ए कॉन्शियसनेस हो सकती है आपके पैटर्न हो सकते हैं है. इन सब चीजों में सीक्रेट्स हैं आपके लिए और ये वही सीक्रेट्स हैं जो इस समय आपकी मदद करेंगे ये आपके पैटर्न्स हो सकते हैं सिंपल अगर बात करें ब्राह्मल यहां आप पर आपका पैटर्न हो सकता है कोई चीज कि को आप कॉन्टिन्यूसली कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो एक बस मोमेंट लेने की जरूरत है कि मैं ये क्यों कर रहा हूं और मेरा एग्जिट पॉइंट क्या है ये कारण कहता है कि वो रेवल्यूशन होगी वो अरेवल्यूशन जरूर होगी लेकिन तुम्हें उसे अलाउ करना होगा तुम्हें उसे अलाउ करना होगा रिजिस्ट मत करो इस एनर्जी को ये जो डिफिकल्ट डिफिकल्टी है ना ये जो अगली इमोशन है आपका ये जो ओ, जहां पर आपको है कि नाज बस ये नहीं होता मुझसे ये ओह तंग दिली एंगजाइटी ट्रिगर हो जाता हूँ मैं बस इसमें उतर जाओ और किंग ऑफ कप्स के मैसेज को याद रखना तुम्हें लग रहा है तुम्हारा माइंड कह रहा है कि ये तुम पर हावी हो जाएगा किंग ऑफ कप्स कह रहा है कि नहीं होगा तुम पावरफुल हो तुम ज्यादा पावरफुल हो लीब्रा इसको बस याद रखना है तुम्हें ब्रेथ टेकिंग ये स्प्रेड ये रीडिंग ये टॉपिक ब्रेथ टेकिंग नॉट ऑल थिंग्स आर एज दे सीम ट्रस्ट इन योर इंट्यूशन या शी ऑफ द मॉसीब्रे यहाँ पर फेमिन साइड से मैसेज है आपकी ओके okay, आपकी ये मैसेज है यहाँ पर वो कह रही है कि ये बेस्ट टाइम पीरियड है मेरे साथ काम करने का मेरे साथ जुड़ने का मैं तुम्हें वो दिखाऊंगी जो तुम्हें देखने की ज़रूरत है सो स्लो डाउन लीब्रा क्योंकि ये है स्लो डाउन की होने की एनर्जी नरिशमेंट की नर्चर करने की एनर्जी ओके okay? ये नर्चर करने की एनर्जी है ये दूध की एनर्जी है ये सूरज की किरणों की एनर्जी है ये स्किन केयर रूटीन करने की एनर्जी है ये है कि मैं बोलूँगा नहीं मैं बोलूंगी नहीं ये है चुप्पी का टाइम ये है चुप्पी की ताकत ये है साइलेंस की पावर उसको यिन बोलते ना हम की यही यही ऊर्जा है जिनमें ऑब्जर्वेशन है जिनमें इंट्यूशन है कनेक्टिविटी है आंसर्स हैं संभलना है तो आपकी ये एनर्जी कह रही है ये बेस्ट टाइम पीरियड है मेरे से कनेक्ट होने का मेरे से कनेक्ट हो और गेन कनेक्ट कैसे हूं मैं कैसे कनेक्ट हूं स्लो डाउन जस्ट स्लो डाउन अगर ये भी तलवार रखी हुई है कि अभी काम नहीं किया तो फिर नहीं होगा नो जस्ट स्लो डाउन लेट इट गो लेट इट गो कुछ नहीं छूटने वाला कोई ट्रेन नहीं छूटने वाली लीब्रा ये छूट भी गई तो अगली आ जाएगी जस्ट खॉम डाउन रिलैक्स रिलैक्स ओके असिस्टेंस फ्रॉम योर एंजल्स एंड गाइड्स Yes, यहां पर मैं सेस्टर स्पिरिट भी एनर्जी पिक की हायर सेल्फ की एनर्जी पिक की स्पिरिट गाइड्स आए यहाँ पर इस समय आपको बहुत हैवी असिस्टेंस मिल रही है आप तो अपनी रीडिंग को देख लो 55 मुझे पता भी नहीं चला कि कब 55 फाइव मिनट्स हो गए आई सुवेर टू गॉड मैं अमूमन अपने चैनल पर 20 मिनट की मैक्सिमम 20-25 मिनट की रीडिंग करती हूँ जोरिया साइंस की मुझे पता भी नहीं चला कि कब फिफ्टी मिनट्स हो गए मुझे कोई थकान भी नहीं लगी मैं इतनी फ्लो में इस रीडिंग को कर गई तो कोई तो ताकत है जो ऊर्जा प्रदान कर गई मुझे भी कि मैं आपको आप तक ये मैसेजेस पहुंचा सकूं राइट दिस इज प्योर लीब्रा दिस इज प्योर जाते जाते मैं आपको एक सवाल देकर जाना चाहती हूँ कि इसमें क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको मदद कर सकता है लेट्स क्वेश्चन क्या है लीब्रा के लिए क्वेश्चन क्या है थैंक यू लीब्रा के लिए क्वेश्चन लीब्रा के लिए एक क्वेश्चन चाहिए मुझे ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके वो कैबलरी आपके वर्ड से जुड़ा हुआ है वट इज इट व वॉट एम आई लिस्निंग फॉर ग्रेट हॉर्न आवल्स आवल हेयर यहां पर एल्फाबेट्स हैं वर्ड्स हैं मुझे पहले ही एनर्जी महसूस हो रही थी वर्ड्स एल्फाबेट्स आप क्या सुन रहे हो और किस लिए सुन रहे हो ये ये दो मुद्दे हैं ये दो सवाल अगर आपने अपने आप से करना शुरू कर दिया है आपके फाइव सेंसेस में अगर आपके कानों में अगर कोई ट्रॉमा बैठा है कोई बुलिंग की एनर्जी बैठी है आपको किसी ने कोई गंदे शब्द बोल दिया आपने कोई गंदी बातें सुन ली किसी का कोई गंदी रहस्य जान लिया कुछ भी ट्रॉमा आपके कानों में बैठा है वो क्लियर हो जाएगा सिंपली अगर आप इंटेंशनली इस क्वेश्चन एक, एक को पूछने लगे कि मैं क्या सुन रहा हूँ आजकल और जो भी मैं सुन रहा हूँ मैं क्यों सुन रहा हूँ मुझे क्या मिल रहा है इससे आनंद मिल रहा है या उसको सुनकर मैं और परेशान हो रहा हूं या बस टाइम वेस्ट हो करने को देख रहा हूं क्योंकि वेला बैठा हूं व्हाट इज इट एक अवेयरनेस लेकर आना अपने कानों के प्रति और मुझे ऐसा लगता है कि आपके कान जैसे कह रहे हैं कि किस जैसे वह आपके दोनों दोनों कान कह रहे हैं कि हमको हमको क्लेंस होने दो हमको हील होने दो वै एम लिसनिंग फॉर आप क्या सुन रहे हो और क्यों सुन रहे हो ओके okay. ये एक सवाल है आपके लिए आ, लीब्रा जो आपकी मदद कर सकता है ओके दिस इज योर रीडिंग लीब्रा अगेन आई थिंक ये ब्रेथ टेकिंग ब्रेथ टेकिंग रीडिंग है ये चैनल टॉपिक था बाय द वे आई डोंट नो मैंने इसको शुरुआत में बोला है या नहीं लेकिन ये चैनल टॉपिक था मैं ऐसे बैठी हुई थी और मैं सोच रही थी कि मैं और क्या रिकॉर्ड करूँ नेक्स्ट क्या रिकॉर्ड करूँ तो मुझे लगा कि ओके साइन की रीडिंग तो मैं ऐसे ही बैठ गई साइन की, की रीडिंग करने को और मैंने टॉपिक चूज़ किया था रेस्ट ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का ओके मैंने दस मिनट की रिकॉर्डिंग भी कर ली और पता नहीं एक ऐसी रीडिंग करते वक्त मुझे एक ऐसी एनर्जी महसूस हुई कि नो नो ये रीडिंग नहीं करनी अभी मुझे और मैंने उसे बंद किया और मैं अपने ऑफिस से बाहर निकली मैंने तीन तीन ती, चार घंटे बस अपने घर का काम किया घर पर फोकस किया फ़ैमिली को टाइम दिया और मैंने खुद को ग्राउंड किया और फिर मैंने कहा कि ओके अगर ये टॉपिक नहीं है तो मुझे आप बताओ मैंने अपनी गाइड से कहा आप बताओ कि क्या करूँ मैं रिकॉर्ड तो यहाँ पर ऐसे थ्री सीज़ मुझे ये दिखा थ्री सीज़ तो मैंने कहा थ्री सीज़ क्या होते हैं तो फिर थ्री सीज़ को जैसे मैंने पूछा तो ये तीन वर्ड्स चैनल हुए क्लैरिटी कन्फर्मेशन एंड कम्फर्ट और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ये रीडिंग की ट्रस्ट मी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ बिकॉज आई थिंक ये ये ब्यूटफुल ब्यूटफुल रीडिंग है बहुत मीनिंगफुल रीडिंग है सो ये स्लीपरा आप जरूर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसे इस रीडिंग ने आपको गाइड किया कैसे ये आपको आंसर्स दिए इस रीडिंग ने आपको इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा जितना हो सके आपकी लाइफ में जितने लीब्राज हैं यू नो या फिर कोई ऐसा शख्स जिसे कंफर्ट की ज़रूरत है इन दिनों इस वीडियो को आप उसके साथ भी शेयर कर सकते हो एक एक पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज के लिए ओके okay? यस um, yes, आप ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए अपनों के साथ शेयर कीजिए पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइए और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिए ओके okay? मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी अगर अभी तक आपने मुझे सुना थैंक यू सो मच मेरे साथ अपनी एनर्जी को बांटने के लिए अपने टाइम को शेयर करने के लिए बहुत खुश हूँ मैं बहुत खुश हूँ मैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू टेक केयर बाय